हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन। आज मैं कोई व्लॉग लेके नहीं आई हूँ, मतलब एक प्रॉपर जो व्लॉगिंग होती है वो मैंने नहीं की है। आज मैं आप लोगों के सवालों के जवाब देने आई, क्योंकि अब 1 लाख फॉलोअर्स हो चुके हैं मेरे, और मैंने कहा था कि जब मेरे 1 लाख फॉलोअर्स होंगे तो आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनका जवाब दूंगी। तो कुछ क्वेश्चन के जवाब मैं आज दूंगी, और कुछ क्वेश्चन के जवाब मैं तब दूंगी जब मुझे लगेगा कि इस वीडियो पे अच्छा खासा रिस्पांस आया है। अगर इस पे अच्छा रिस्पांस आएगा तो मैं डेफिनेटली नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आंसर वीडियो बनाऊंगी आप लोगों के लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरे लिए आता है कि मेरी शादी को कितने साल हो गए। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मेरी शादी को 8 साल कंप्लीट हो चुके हैं। और ये क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है क्योंकि मोस्टली मैं वीडियोज में ब्राइड की तरह, एकदम न्यूली मैरिड ब्राइड की तरह एकदम सजी रहती हूँ, कि कोई पहचान नहीं पाता कि इतना टाइम हो गया है, और बच्ची भी है मेरी, और मेरी बच्ची की भी एज पूछी जाती है। तो मैं अपने बच्ची की एज आप लोगों को बता दूँ, वो अभी 7 साल की कंप्लीट हो जाएगी इस जनवरी में, 12 जनवरी को उसके पूरे 7 साल कंप्लीट हो जाएंगे, वो 7 साल की हो जाएगी। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैं क्यों इतना एज अ न्यूली लाइक मैरिड ब्राइड की तरह रहती हूँ या विमेन की तरह रहती हूँ। रीज़न बस यही है कि मुझे ना सजने का बहुत शौक है हमेशा से। ये ऐसा नहीं है कि मैं जानबूझ के उस चीज़ को करती हूँ, लेकिन अगर मैं मतलब इट डिपेंड्स लोकेशन टू लोकेशन। अगर मैं मायके में हूँ तो मुझे लड़कियों की तरह रहना पसंद है, फिर मुझे मतलब अजीब लगता है अगर मैं ज़्यादा ये बैंगल्स वगैरह करके जाती हूँ या फिर बिंदी वगैरह ये सब करके जाती हूँ, तो मुझे थोड़ा सा शर्म आती है। मतलब आई फेल्ट कि अब मायके में नहीं होना चाहिए, मतलब थोड़ा सा अजीब लगता है, होता है कई लड़कियों के साथ। और अगर मैं ससुराल में हूँ, ससुराल में कोई फंक्शन है, ओकेजन है, या फिर मैं वीडियोज़ के लिए रेडी हो रही हूँ, कोई नई ड्रेस आई है, नई साड़ी आई है, तो एक तो मैं अपने हस्बैंड को इम्प्रेस करने के लिए, बिकॉज मैं कभी भी ये खुद को भी नहीं वो कर पाती हूँ कि हाँ पुरानी हो गई शादी, कहाँ पुरानी हुई अभी, लाइक मुझे खुद ही लगता है कि अभी नहीं तो है, अभी तो शादी हुई थी, तो उस चीज़ को मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाती हूँ। फिर होता है ना कि अरे बच्ची भी थोड़ी हो गई है और थोड़ी बड़ी हो गई है, और स्टिल इतना सजना, अब मुझे शौक है सजने का बहुत ज़्यादा है, उस चीज़ को मैं चाहकर भी नहीं वो कर सकती हूँ। तो यही एक रीज़न है, एक अपने हस्बैंड के लिए सोचती हूँ, दूसरा वीडियोस के लिए सोचती हूँ, और जो मेन 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 रीज़न है, जो सबसे बड़ा मेन रीज़न वो ये है कि मुझे सजने का बहुत शौक है। अब मुझे इतनी इतनी चूड़ियाँ डालने का, अगर मैंने कोई ड्रेस डाली है, और मुझे बस फंक्शन का पता चलना चाहिए, अगर हो गया ना कि हाँ तब ये फंक्शन है, तो मैं 15-20 दिन पहले ही प्रिपरेशन शुरू कर देती हूँ, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा उस टाइम खुश होती हूँ कि हाय सजने को मिलेगा, ऐसे सजेंगे, ये कपड़े पहनेंगे, वो पहनूंगी, ऐसे डिज़ाइन करूँगी चीज़ों को। तो मेरा मेन रीज़न ये रहता है। तो हाँ, ये एक रीज़न है, इसलिए किसी को शौक होता है किसी को नहीं, पर मुझे बहुत शौक है हैवी ज्वेलरी का, बैंगल्स का। लेकिन ये चीज़ भी डिपेंड करती है कि मैं कहाँ पर हूँ, किस फंक्शन में जा रही हूँ, ये सब डिपेंड करता है, ठीक है। फिर क्वेश्चन आता है आप लोगों का सेकंड बेबी, कि आपकी बच्ची इतनी बड़ी हो गई है, सेकंड बेबी आप कब कर रहे हैं। तो जब भी मैं सेकंड बेबी करूँगी, मैं उसका जल्दी आप लोगों को अनाउंस कर दूँगी उसके लिए, और जैसे ही होगा तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। जब भी होगा कि हाँ अब ये टाइम है बताने का, मैं आप लोगों को डेफिनेटली इस चीज़ को बताऊंगी कि सेकंड बेबी का टाइम है और सेकंड बेबी मैं कर रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मैं अपने सास के साथ क्यों नहीं रहती, और ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि आपकी सास आपके साथ क्यों नहीं है, या आप अपनी सास के साथ क्यों नहीं है। तो उन लोगों को मैं जवाब देना चाहूँगी, देखो बच्चों की कोई हैसियत नहीं होती कि वो माँ बाप को रखें या ना रखें, ठीक है। हम लोग पहले जो जिस घर में मैं शादी करके आई थी, तो वहाँ पर हम जब सब साथ रहते थे, तो थोड़े टाइम बाद हमने डिसाइड किया कि नया घर बनाने, क्योंकि देवर की भी शादी करनी थी, सबको अपनी प्राइवेसी पसंद है, सबको रहता है कि मैं अपना, मेरे पास अपना रूम हो, वहाँ पर कोई मतलब ऐसा ना हो कि कोई भी आ गया डायरेक्ट, मतलब होता है ना इंसान को एक प्राइवेसी चाहिए होती है। वहाँ पर था कि अगर मैं अपना रूम, मैं भी अपना रूम, क्योंकि मेरा जो रूम था वो मेरा पर्सनल रूम था, वहाँ पर लाइक अलग से था वो, कोई भी डायरेक्टली नहीं आ सकता है, जो भी आएंगे जाएंगे वो सीधा मम्मी पापा वाले रूम में जाते थे।
तो मैं अपना रूम नहीं छोड़ना चाह रही थी, मुझे था कि अगर मैं दूसरे रूम में जाऊंगी तो कोई भी आएगा डायरेक्टली तो वो वहां पर मैं लेटी रहूंगी या फिर मैं कुछ कर रही होंगी तो मेरी प्राइवेसी उस चीज के लिए खराब होगी। तो मेरा था मैं नहीं छोड़ने वाली थी, और मेरे देवर जो थे उनकी नई शादी होती तो ऑब्वियसली उनको भी प्राइवेसी चाहिए थी। फिर फैमिली से मतलब ऑब्वियसली वो घर पुराना हो चुका है तो घर तो नया बनना ही बनना था, तो डिस्कशन हुआ और डिसाइड किया गया कि नया घर बनाया जाएगा। और हम लोगों ने नया घर बनाया, घर बनने के बाद ये चीज़ें भी हुई कि अब आप लोग भी यहाँ रहो, लेकिन ऑब्वियसली अब मेरे ससुर जी ने वो घर बनाया हुआ है तो जब हम खुद अपना घर बनाते हैं मेहनत से, बहुत मेहनत से बनाया है, तो उसको कोई भी आसानी से नहीं छोड़ सकता। तो उनका था नहीं नहीं हम तो यहाँ रहेंगे अभी के लिए, तुम वहाँ रहो। फिर उस टाइम था कि देवरानी आएगी तो देवरानी और हम साथ रह लेंगे, लेकिन फिर ये था कि अरे देवरानी आई और आती उसको अलग कर दिया, नए घर में भेज दिया, सास ससुर ने नहीं रखा, वो चीज़ हो जाती है। तो देवरानी को पुराने घर में भी अकेला नहीं रख सकते थे, तो सास ससुर और उन सबका डिसीजन था कि पुराने घर में देवर देवरानी रहेंगे और कुछ साल बाद वो घर भी नया बन जाएगा। तो ये एक रीज़न है जिस वजह से हम लोग रहते हैं, ठीक है। दूसरा, मेरी और मेरे देवरानी के बीच के जो आप लोग पूछते हो कि आपकी देवरानी आपके व्लॉग्स में नहीं आती है, आपके और आपकी देवरानी के बीच में कैसे रिश्ते हैं, तो मेरी और मेरे देवरानी के बीच में बहुत अच्छे रिश्ते हैं। व्लॉग्स में आने का कारण है कि उस साइड में बहुत रेयर जाती हूँ, जब मैं जाती हूँ तो मैं मम्मी के साथ टाइम स्पेंड कर रही होती हूँ, और मेरी देवरानी होती है कि मतलब वो अपने पर्सनल स्पेस पे होती है। मतलब मुझे खुद ऐसा फील होता है कि जब मुझे उसको लेना होता है ब्लॉगिंग में, ऐसा नहीं है वो मना करती है या फिर उसकी तरफ से ऐसा कुछ इंटेंशन रहता है कि नहीं मैं ब्लॉग्स में नहीं आऊँगी, ऐसा कभी नहीं हुआ। मैंने जितने बार भी उसके साथ ब्लॉग्स बनाए हैं वो बहुत अपनी खुशी से अच्छे से आई है, लेकिन मुझे ऐसा फील होता है कि अगर उसका है कुछ ज़रूरत व्लॉग में तो मैं डेफिनेटली उसको व्लॉग में लेती हूँ। दूसरा, नई नई शादी हुई है अभी और मैं नहीं चाहती व्लॉग्स के थ्रू कोई भी उस चीज़ को लेके कमेंट करे कि अरे नई बहू है ये पहना हुआ है, क्योंकि व्लॉग में आप लोग देखते होंगे मैं और मम्मी हमेशा जो घर के पजामा टी शर्ट भी डाला है तो उसमें आ जाती हूँ। तो मैं नहीं चाहती मेरे व्लॉग्स की वजह से कोई भी मेरी देवरानी के लिए बातें बनाए, या फिर मेरी देवरानी को लगे कि इन व्लॉग्स की वजह से किसी ने मुझे टोंड मारा है या टोंड कसा है, तो वो चीज़ें मुझे थोड़ा सा फील होती है कि उसकी प्राइवेसी है। लेकिन जब भी मुझे फील होता है कि अब वो है और उसको व्लॉग में लेना चाहिए, तो मैं हमेशा हर फंक्शन ओकेजन में उसको व्लॉग में लेती हूँ और वो डेफिनेटली आती है। और आगे भी मुझे ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट लगेगा कि मतलब कुछ अच्छा हम लोग बैठे होंगे, बातचीत कर रहे होंगे और कुछ अच्छा कंटेंट आ रहा होगा तो मैं उस चीज़ को शूट करूंगी। और मेनली ये भी रहता है कि जब वो भी लाइक मैं जाती हूँ घर पे, एक तो मैं रेयरली जाती हूँ अब क्योंकि मुझे ये वाला भी घर संभालना होता है, अब देवरानी आ गई है, पहले देवरानी नहीं थी तो मम्मी की मदद करने चली जाती थी, अब देवरानी आ गई है तो मुझे ऐसा फील होता ही नहीं है कि मुझे भी वहाँ जाने की ज़रूरत है, तो मैं अपना ये संभालती हूँ यहाँ का, वहाँ का देवरानी और मम्मी संभालती संभालती हैं। तो हम लोग जब तीनों इकट्ठे बैठते हैं ना तो हमारी बातें ही नहीं खत्म होती है, और वो बातें थोड़ा ना पर्सनल लेवल की होती है, तो ऑब्वियसली उन चीज़ों का मैं व्लॉग नहीं बना सकती हूँ क्योंकि हम पता नहीं कब किसके बारे में बात कर रहे हो, किस चीज़, अगर वो चीज़ मैं व्लॉग में डाल दूँ वो किस चीज़ किसको बुरी लग जाए। तो हम बेसिकली हम तीनों जब बैठते हैं तो बहुत गप्पे मारते हैं, और मैं और मेरी देवरानी ज़्यादा बैठते हैं, जब भी मैं जाऊँगी तो मैं और देवरानी घंटों गप्पे मारते हैं, तो उन चीज़ों को मैं शूट ही नहीं कर पाती क्योंकि वो फैमिली टाइम होता है और हम बस वहीं बैठ के गप्पे शप्पे मारते हैं। तो मेरा मेन रीज़न बस कुछ यही रहता है कि एक उसकी प्राइवेसी है, उसकी पर्सनल लाइफ है, तो मैं थोड़ा सा इंटरफेयर नहीं करती हूँ चीज़ों को, और जब मुझे लगता है कि हाँ अब हम सज धज के कहीं जा रहे हैं, सारे इकट्ठे जा रहे हैं, यहाँ व्लॉग करना चाहिए, वो चीज़ मैं व्लॉग में करती हूँ। और जो मेन होता है वो ये रहता है कि मेरे व्लॉग्स की वजह से कोई उस पर उंगली ना उठाए कि व्लॉग में ये कर रही थी, हमने व्लॉग में देखा वो ये कर रही थी, अरे अभी तो नहीं शादी, मतलब कुछ भी कोई भी बोल सकता है। तो इस रीज़न से मैं अभी नई नई है, मैं अपने खुद की भाभी को भी नहीं लेती हूँ व्लॉग्स में, रीज़न ये है कि उनकी वो भी न्यूली मैरिड है और मेरी देवरानी भी, ठीक है। न्यूली मैरिड से 1.5 साल हो गया बट स्टिल। फिर क्वेश्चन आता है कि अरे आपके हस्बैंड क्या करते हैं, तो मेरे हस्बैंड दिल्ली पुलिस में है और सरकारी इंसान है, वो अपना जॉब करते हैं।
फिर क्वेश्चन आता है, कुछ लोग कमेंट करते हैं जिनको पता है कि गवर्नमेंट जॉब में है तो उनका होता है, अरे तुम्हारे पापा BSF में है, तुम्हारे हस्बैंड दिल्ली पुलिस में है, इतनी अच्छी जॉब है और तुम्हें क्या जरूरत है वीडियोस बना के अर्न करने की। तो देखो, हस्बैंड की सीमें भी हो, पापा की सीमें भी हो, एक चीज़ मैं सबको बताना चाहूँगी, जितने भी विमेंस गर्ल्स जितने भी हैं उन सबको, कि ना ही पापा के पैसों पर डिपेंड करो शादी से पहले, ना ही अपने हस्बैंड के पैसों पर डिपेंड करो शादी के बाद। रीज़न ये नहीं है कि वो देंगे नहीं, चाहे कितना प्यार करते हो, कितने अच्छे हो, सेल्फ डिपेंडेंट होना सबसे बड़ी बात होती है। अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट है ना, तो बहुत चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती है। मेनली होता है कि आप जैसे एक हस्बैंड है, शादी के बाद उनके कंधों पे सारी जिम्मेदारियां होती हैं, घर संभालना, बच्चे का खर्च, स्कूल का, घर का खर्च, बहुत चीज़ें हो जाती हैं। और मैं तो खुद इतनी खर्चीली हूँ कि मैं अगर कोई चीज़ पसंद करती हूँ और वो चीज़ मुझे ना मिले ना, तो फिर मैं थोड़ा सा डिप्रेस हो जाती हूँ, उदास हो जाती हूँ। मुझे है कि अगर मुझे कोई चीज़ पसंद आई है तो मुझे वो लेनी है, चाहे बच्ची के लिए, चाहे मेरे लिए, घर के लिए, हस्बैंड के लिए, किसी के लिए भी। मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं पसंद है चीज़ों को लेके। तो शादी से पहले भी मैं ट्यूशंस वगैरह देती थी बच्चों को, मैं पूरी कोशिश करती थी सेल्फ डिपेंडेंट रहने की। मैंने कभी भी अपने पेरेंट्स के ऊपर बर्डन बनने का नहीं सोचा। पर्सनल एक्सपेंसेस की बात कर रही हूँ मैं, कॉलेज की फ़ीस वगैरह ऑब्वियसली वो सब पेरेंट्स ही करते हैं, लेकिन पर्सनल एक्सपेंसेस जो होते हैं कि मेट्रो में आने जाने का किराया, खुद के खाने पीने का खर्चा, बहुत सारी चीज़ें जो होती है। तो शादी के बाद भी मेरा ये था कि मैं अपने हस्बैंड के साथ चलूँगी, कंधे से कंधा मिलाकर, सारा बर्डन उन पर नहीं आने दूँगी घर का, और उनका सहारा बनूँगी घर खर्च में भी, और जो मेरे अपने खर्चे हैं वो तो चीज़ अलग है। और ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि मेरे हस्बैंड ने मुझे कभी भी किसी भी चीज़ के लिए मना किया। अगर मैंने कहा है कि मुझे सोने का कड़ा चाहिए तो मुझे सोने के कड़े मिले हैं, मैंने कहा है मुझे झुमकियाँ चाहिए सोने की तो मुझे सोने की झुमकियाँ मिली है। लेकिन स्टिल मेरा मानना है कि अगर आप अपने हस्बैंड से प्यार करते हो, फैमिली से प्यार करते हो, तो उनका सहारा बनो। तो आज के क्वेश्चन एंड आंसर मैं यही बंद करती, क्योंकि आ गई है जाह्नवी और जाह्नवी की मम्मी। तब हम मारेंगे गप्पे शप्पे, कॉफ़ी शॉपी पिएंगे, मज़े करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और अगर आपके और भी कोई क्वेश्चंस है तो उनको ज़रूर मुझसे पूछेगा, मैं नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। बाय बाय, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।